बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व एक एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन है कि शॉर्ट में देखो, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है। एक क्लास टेस्ट है जिसके अंदर क्या है, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैडम ने क्या कहा कि 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने करेक्ट आंसर दिया, नेगेटिव 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया यानी इनकरेक्ट आंसर दिया, देन एंड 0 मार्क्स मिलते हैं किस चीज के, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया, सीधी सी बात। देन हमसे क्या पूछा गया, मोहन रेशमा रहीना के बारे में पूछा जा रहा है कि उसने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं किए या इतने गलत है, तो उनका स्कोर क्या है। तो एक एक करके इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोहन्स वाले को। देखो मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। अब 4 सवाल सही दिए, 6 सवाल गलत दिए, तो हमें उसका स्कोर बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो 4 करेक्ट है यानी कि 4 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, करेक्ट, कितने करेक्ट करने पे हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन हमें क्या करना है, ऐड करना है क्या इनकरेक्ट नंबर भी, कैसे, देखो इनकरेक्ट नंबर ऐसे ऐड करेंगे, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, एडिशन करना है। अब उसने कितने सवाल गलत दिए, 6 सवाल गलत दिए और हर सवाल पे उसको कितने मार्क्स मिलते हैं गलत देने पे, -2, यही चीज होगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गई इसकी प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, देन ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस -2 -12, ओके। तो ये आपके पास, अब देखो क्या करना है, ये सॉरी प्लस है, ठीक है, यही हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, इस प्लस को अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट ओपन करने के लिए, तो क्या चीज होगी, यहाँ पे जो अंदर साइन है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, तो 20 -12 विच इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो मोहन्स को मिले भाई 8 मार्क्स, ओके, इस तरीके से आपको निकालना है। देन आपके पास रेशमा, अब रेशमा ने कितने आंसर सही दिए, 5, और कितने आंसर गलत दिए, 5, सही भी 5 गलत भी 5, तो स्कोर निकाल लेते हैं इसका कैसे निकलेगा। भाई पहले 5 उसने आंसर सही दिए और सही आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 5, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, देन हम ऐड करेंगे क्या उसके जितने भी इनकरेक्ट आंसर्स है, कितने इनकरेक्ट आंसर है, 5, एंड हर गलत आंसर पे कितने मार्क्स देती है मैडम, -2, तो यानी कि ये हो जाएगा -2, क्लियर है, इस तरीके से बनानी है। ये हो जाएगा 25, देन ऐड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होता है, -10, ये चीज हो जाएगी। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, 25 ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 विच इज इक्वल टू 15 मार्क्स, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब अगला कौन है हमारे पास, हीना, हीना ने 2 सही दिए 5 से गलत दिए, हीना 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 2 सही 5 गलत है, बट यहाँ पे क्वेश्चन टोटल में कितने थे, 10, जिसके लिए उसको क्या हुआ, 3 क्वेश्चन तो रह गए ना, 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किए उसने, तो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट ना करने पे कितने मिलते हैं, 0, हम वो भी लिखेंगे कैसे। देखो हीना ने सबसे पहले करेक्ट कितने दिए, 2 करेक्ट करने पे मैडम हर कितने देती है, 5 मार्क्स, ठीक है ना, हर उस पे, देन ऐड करेंगे हम क्या, इसने इनकरेक्ट कितने दिए, 5, तो मैडम कितने मार्क्स देती है इनकरेक्ट पे, -2, ओके, देन ऐड करेंगे उसके पास कितने, उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, 3, और अटेम्प्ट ना करने पे कितने मिलते हैं, 0, यही होगी। अब देखो 2 × 5 10, प्लस में ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -10, यही आएगा, देन इधर क्या हो जाएगा, ये 3 × 0 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 ये ब्रैकेट बाहर आएगी तो -10 हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 0, हीना को मिले 0, ठीक है भैया, 0 मार्क्स मिले। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, क्लियर हो गया ना। आप प्रॉपर लिख के करना कि 4 करेक्ट दिए हैं तो उसके इतने मार्क्स हो गए, इनकरेक्ट दिए तो इतने हो गए, देन का टोटल करो आंसर निकाल देना, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी करते क्वेश्चन नंबर 8 को। थैंक यू।